इतिहास दूरेगा, निश्चित दूरेगा और ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। अरे लाठी, ये लोकतंत्र है, ये लाठी तंत्र नहीं है। बाहर के लोग नौकरी लूट के ले जाएंगे, इसीलिए अब हम लोग झंडा का मोह माया छोड़ते हैं। 17, 18 और 19 अप्रैल को त्रिदिवसीय 72 घंटे का आंदोलन का ऐलान किए हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो लगातार पिछले 4 महीनों से, चाहे वो शीतकालीन सत्र के दौरान हो या बजट सत्र के दौरान हो, लगातार सड़क से सदन तक आंदोलन किए। लेकिन ये सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं रहने के वजह से मजबूरन हम लोग आगामी 17, 18 और 19 अप्रैल को त्रिदिवसीय 72 घंटे का आंदोलन का ऐलान किए हैं, जो 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, जो पूरे राज्य भर के छात्र यही मोरहाबादी मैदान में जुट के अपना चट्टानी एकता का परिचय देंगे, और 18 तारीख को शाम 5 बजे पूरे झारखंड प्रदेश के प्रखंड सह जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, और 19 अप्रैल को पूरा राज्य का चक्का जाम बंद, मतलब बंद होगा, और इसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं। ये कैमरा के माध्यम से हम निवेदन करेंगे, पूरे राज्य के छात्रों को थोड़ा सा दिखाने का काम करेंगे कि हम लोग का जो कार्यक्रम है इसका हम लोग अनुमति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं। इस बार का आंदोलन को पूरे राज्य के लगभग विभिन्न सामाजिक सह छात्र संगठन का समर्थन है, जो हमारे बीच अभी देख रहे हैं कि आदिवासी छात्र संघ के मनोज उराव जी हैं, आयशा के मोहम्मद सफी जी हैं, आपका रांची कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष अमनदीप मुंडा जी हैं। लाठी में तेल पिया के, अरे लाठी, ये लोकतंत्र है, ये लाठी तंत्र नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन को और ये सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र से चल रहा है ये दुनिया, यहाँ कोई लाठी तंत्र नहीं है। और हम लोग को तो हम बता दे रहे हैं, इस बार जिसका सरकार है, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े नेता का फोन आ रहा है कि भाई हम लोग जिसका झंडा ढो रहे हैं और सरकार बनाए कि मेरा बाल बच्चा का नौकरी लगेगा, वो एक ऐसा नीति के तहत नौकरी दिया जा रहा है, नीति बनाया जा रहा है जो झारखंडी विरोधी है। बाहर के लोग नौकरी लूट के ले जाएंगे, इसीलिए अब हम लोग झंडा का मोह माया छोड़ते हैं, पार्टी का मोह माया छोड़ते हैं। हम लोग अपना बेटा बेटी प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए आप लोग का आंदोलन के साथ है। भाजपा के नेता लोग फोन कर रहे हैं, जो मार खाए ना थी 10 तारीख को, परसों को, 11 तारीख को, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लाठी खाने गए थे, अपना बेटा बेटी का बात होगा बोल के हम लोग डंटा भी खाए, लाठी भी खाए, रांसू गैस फुहारा का सामना भी किए, लेकिन बड़ा बड़ा दिग्गज नेता को आप लोग का चैनल में खंगाल के देख रहे हैं। कोई नौकरी का बात नहीं किया झारखंड में झारखंडियों का, कोई जो है कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध बात नहीं किया। इसलिए अब भाजपा वाले भी जो झारखंडी लोग हैं, कहीं वो लोग भी फोन करके कह रहे हैं कि भाई छात्र का आंदोलन शुद्ध रूप से है, जो यह अपना नीति के लिए है और नीति के लिए है, और इसमें सभी संगठन के लोग हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, सभी के बाल बच्चा को इस नीति से लाभ मिलेगा, इसलिए पूरे राज्य के लोग आएंगे। और हम अपील करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरे राज्य के जनता को, क्योंकि छात्र हर चीज़ का सामना किया है पिछले 4 महीनों से, चाहे लाठी का हो, डंटा का हो, FIR का हो, चाहे गिरफ्तारी का हो, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी, इसलिए अब हमारे अभिभावक को, गार्जियन को आगे आना ही पड़ेगा, इसलिए आएंगे आगे। और 19 तारीख को पूरे राज्य में चक्का जाम, मतलब जाम। और इस बार हम ऐलान करते हैं कि चूंकि ये झारखंड पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ का राज्य है, तो 19 तारीख को जितने पशु पक्षी जानवर भी नहीं निकलेंगे, यहाँ तक कि पत्ता भी नहीं हिलेंगे, और पूरे तरह ऐतिहासिक बंद होगा। और हम याद दिलाना चाह रहे हैं, जो झारखंड अलग राज्य का जो लंबा आंदोलन था, 89 का जो 72 घंटा का बंद था, जो इतना जबरदस्त असरदार था कि इतिहास बदल दिया आंदोलन का, और आंदोलनकारियों को वार्ता करने के लिए होम मिनिस्टर बूटा सिंह बुलाया और झारखंड अलग राज्य का सहमति बना, तो झारखंड नव निर्माण के लिए यही 72 घंटा इतिहास दोहराएगा। बातें क्या इतिहास दोहराने के लिए या जज्बात में बोल रहे हैं? इतिहास दूरेगा, निश्चित दूरेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।